उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 अप्रैल से हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, पर लॉकडाउन खुलने पर अचानक भीड़ एकत्र ना हो, इस पर अभी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के भाजपा सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से इस बाबत लिखित सुझाव मांगे ताकि सरकार इस आधार पर अपनी रणनीति बना सके। सीएम ने कहा कि अगर तबलीगी जमात की अगर ये चीजें सामने नहीं आती तो अब तक हम यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सफल हो गए होते। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। बिना मास्क के किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी। योगी सरकार प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ स्पेशल खादी के मास्क बनवाएगी। गरीबों को मुफ्त में मास्क दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक में इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एक दो दिनों में एपिडेमिक एक्ट के तहत मास्क पहनने की अनिवार्यता के बारे में औपचारिक रूप से ऐलान किया जा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की कमी दूर करने और मास्क की कालाबाजारी पर अंकुश करने के लिए राज्य सरकार खुद ट्रिपल लेयर मास्क तैयार करने जा रही है। यह ट्रिपल लेयर स्वदेशी खादी मास्क उत्तर प्रदेश का ब्रांड होगा। यह मास्क गरीबों को मुफ्त और बाकी लोगों को किफायती कीमत पर मिलेगा। मास्क को धुलने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।